माँ की सेहत का अच्छा होना कितना जरूरी। अगर हम ये समझें कि आपने बच्चे को जो बनाना है वो आप उसकी माँ को खिलाना शुरू कर दें, तो आपका जो बच्चा है वो नेचुरली हेल्दी होगा, क्योंकि जो उसमें डिसेबिलिटीज या जो उसमें डिफिशेंसीज बाय बर्थ होंगी, हम उसको बर्थ डिफेक्ट्स भी अक्सर कह रहे होते हैं, तो बाय बर्थ जो प्रॉब्लम्स बच्चे में डेवलप हो जाएंगी, बन जाएंगी, वो थ्रू आउट लाइफ उसको सफ़र करेगा। और इसलिए बेटर है कि आप माँ की न्यूट्रिशन अच्छी कर दें ताकि बच्चे की न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए। और पूरे पाकिस्तान में जो है ना 38% खवातीन जो है ना दे आर आयरन डेफिशिएंट, ठीक है, और इसका नुकसान जो है वो बच्चे के ऊपर ये होता है, अगर स्पेशली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो इन बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे के मतलब स्पाइन और ब्रेन बनने में मसला हो सकता है। और अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है तो इट इज़ रिलेटेड विद कॉग्निटिव डिले, मतलब के बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे आपके अगर माँ आयरन डेफिशिएंट है। अब आप सोच लें लिंक कैसे बन रहा है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा क्योंकि माँ में आयरन डेफिशिएंसी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फिर हम बच्चे से लड़ रहे होंगे पढ़ता नहीं। हाँ, पढ़ता नहीं। अच्छा, हमें जो हमारे जो बच्चे हैं, हमें स्टार्ट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी करनी है, यानी पेरेंट्स जो है वो इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो इसको दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं, वो इतना ख्याल नहीं रख रहे। दूसरा कोलिक चाइल्ड के बारे में मैंने आपसे पूछना था, बहुत ज्यादा बच्चे हम देख रहे हैं कि वो बहुत 6 मंथ से पहले पहले बहुत कॉलिक होते हैं, दूध देते ही वो रोना शुरू कर देते हैं, पूरी पूरी रात रोते रहते हैं, उसका क्या इलाज? जी, आई एम सो ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा। बेसिकली जो शुरू के सारे चीज़ें ना, इसको अब यूनिसेफ और WHO ने कहा इट्स अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्ड, ठीक है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब आपने कंसीव किया है बेबी को, उससे लेके फर्स्ट 1000 डेज, मतलब आपके तब से लेके 2 ईयर्स ऑफ लाइफ तक। तो अब इस दौरान बच्चे को कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है ताकि वो एक भरपूर इंसान बन सके, इंटेलिजेंट और कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंसान बन सके, बड़ा होके या इंटेलिजेंट बन सके। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है ना वो एंटीनेटल केयर है, जिसके ऊपर हमने बात कर ली, फिर वैक्सीनेशन की हमने बात कर ली, फिर ब्रेस्ट फीडिंग की हमने बात कर ली, 6 मंथ्स की एज के ऊपर न्यूट्रिशियस फूड्स को इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब कि जिसे हम नरम ग़िज़ा कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना नहायत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है वो आप आ जाइए हैंड हाइजीन, ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी पिलाना बच्चों को 6 महीने के बाद, और हाथ धुले हुए हैं उसका ख्याल रखना। जब बच्चे क्रॉल करना शुरू करते हैं तो वो जगह जगह हाथ लगा रहे होते हैं, उन्हीं हाथों से फिर वो खाना शुरू कर देते हैं, सूदर भी देते हैं, वो सूदर कहीं भी गिर रहा है वो फिर उठा के वापस मुँह में चला गया। तो इस सब चीज़ के लिए हमने हाइजीन का ख्याल रखना है, हाथ धुलवाने की आदत बच्चों को एज अर्ली ऑन एज पॉसिबल, मतलब 6-7 माह का बच्चा जब आप उसको खिलाने लगे उसके हाथ धुलवाइए, ठीक है, और अपने मदर ने या जो भी फीड करवा रहा है उसने भी हाथ धोने हैं आपके, आपके हाथ गंदे ना हो। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ इज अर्ली स्टिमुलेशन, जो मुझे लगता है बहुत निगलेक्टेड चीज़ है, वो ये है कि पेरेंट्स का बच्चे के साथ एक ताल्लुक होना, ठीक है, वो ताल्लुक जो है ना वो स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में, टू इंश्योर के बच्चे डेवलप सही कर सके। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो का अच्छा हम देख रहे हैं वो है ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन। बच्चे को हम शुरू होते हैं कि ये बैठ रहा है, इसको खाना खिलाना है तो उसके सामने हमने टैब लगा दी, पोएम लगा दी, और फिर हम उसको खिलाते गए नेटफ्लिक्स। अब उसको कुछ टेस्ट का नहीं पता कि क्या टेस्ट है खाने का, क्या टेक्सचर है, उसने फील नहीं किया, वो बस निगल रहा है, लेकिन और हम खुश हो रहे हैं मिल जाता है किसने खा लिया। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम इज वेरी डेंजरस। जितना कलर्स आंखों के सामने चेंज हो रहे होते हैं वो उनके लिए वैसे बहुत डेंजरस। तो 18 मंथ से पहले 0 स्क्रीन टाइम। बिल्कुल। और ज़ैनब, जाते जाते एक और जरूरी सवाल मेरे ज़हन में आया, और वो भी हमारे यहाँ पे हमारे इस मुआशरे में बड़ा कॉमन है, और वो है बच्चे का सर बनाने वाला। खूबसूरत सवाल है ना। और एक और, क्योंकि अगर सर अच्छा रहा हो तो माँ की खैर नहीं, और हमारी क्योंकि आबादी का एक बहुत बड़ा रकबा ऐसा है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए मॉडर्न टॉयज या वो जो झूला टाइप होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपनी, मैंने देखा है कुछ जगहों पे देसी झूला बना के छोटे से बच्चे को डाल के झुला रहे होते हैं, तो वो कितना ठीक है? और सर बनाने वाला सीन स्वाडल इज फाइन, स्वाडलिंग इज फाइन, दैट इज स्वाडल कहते हैं हम, स्वाडल। हां जी, तो वो झूला बना के आप दुपट्टे के अंदर वो चारपाई के साथ बांध के, लेकिन आंटी ने बहुत जोर से, हां आपने जोर से एक तो हिलाना नहीं है, हिलाना है ही नहीं, वो खुद ही हल्का सा हिल ही रहा होता है बाय द वे, थोड़ा ठीक है, और दूसरा आपको उनका शक्ल नजर आ रही हो कि बच्चा हिल रहा है या नाक तो नहीं नीचे प्रेस है, ये कवर्ड तो नहीं हो रही। अच्छा, उसमें ज्यादा मसला मैं जो देखती हूँ वो ये आता है कि हम इतनी जोर से उसको झूला दे रहे होते हैं कि बच्चा खुद अपनी सेंसेस जो है उसको समझ नहीं आ रही होती मेरे साथ हो क्या रहा है, चुप वो ऑलरेडी कर जाता है, लेकिन वो डर से ऑनेस्टली वो डर से चुप करता है, और हमें लग रहा होता है वाह क्या बात है बच्चे को बस जब प्यारा डाल के इसको एग्जैक्टली सर बनाने वाली बात रहेगी बीच में। जो सर बनाने वाली बात है, देखें जी, उसके लिए तो मेरा ख्याल है बच्चे की बर्थ से पहले ही हम कोई टाइल्स, कोई ईंटें, कोई वो प्लेट्स, और इतनी हार्ड चीजें रख देते हैं।
देखिए जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हम देखते हैं कि उसकी प्रॉपर शेप है। आप अगर ब्रेन की डेवलपमेंट की जगह को उसके सर को प्रॉपर छेड़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि नो डाउट 100% पॉपुलेशन में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कम अज कम 10-20% में हम ये देखते हैं कि जो उनके ब्रेन के मसले मसाइल आते हैं या दिमाग के जो लिक्विड्स हैं वो केमिकल्स जो हैं हम उनको छेड़ देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, और वो बच्चा थ्रू आउट लाइफ जो है वो सफ़र करता है आपके सिर्फ माँ को वो बातें सुनाने और उससे कि जी सर सीधा चपेड़ जैसा है कि नहीं है, थोड़ी सी उसकी वो शेप तो नहीं ख़राब हुई भी। सो आई थिंक के बजाय आप इसके कि इस चीज़ को देखें कि बच्चे का सर बना हुआ है कि नहीं, आप ये देखें बच्चा कितना एक्टिव है, कितना हेल्दी है, कितना वो रिस्पॉन्स दे रहा है। आप ये तो नहीं कर रहे बच्चे के साथ कि बच्चे का सर बन रहा है, लेकिन बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर नहीं है। और शुरू में बच्चा इतना करवट वगैरह भी नहीं लेता ना, तो ऑटोमेटिकली सर थोड़ा बहुत बन रहा होता है। तो जबरदस्ती मत करें कि मैं दबा दूं या कोई स्टील की चीज दबाई जाती है, आईज के ऊपर दबाया जाता है, ये लिप्स के ऊपर बड़े हो जाते हैं, बच्चे के इर्द गिर्द अच्छा माहौल बनाए। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालातों वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।